ये घुटना है तो इसको एक्टिवेट कर दो, जो सुजोन में घुटना सिखाया जाएगा आपको इसकी बाजू कम कर दो, बाजू है उसको कम कर दो यहाँ से, तो आवाज कम हो जाएगी, 5-7 दिन करने में बिल्कुल गैप हो जाएगी आवाज। घुटने में आवाज है उससे उल्टे पैर में? नहीं नहीं उसी में, उसी में, उसी में सेम। ये इसको ऐसे करते जाओ, सिंपल है। अगर इसको सेकंड जॉइंट मर्जी आवाज उसी टाइम सेकंड जॉइंट रिंग फिंगर का पैर की रिंग, पैर की रिंग लेवल जो उसको ठीक कर देते हैं सर्वाइकल में आवाज आती है। ये मेरे को आ रही आवाज लेवल ठीक है, ये समझ गया। अरे एक और बता दो, नस पे नस चढ़ जाती है पैरों में कई बार, इस साइड की नस चढ़ती है, ये ऐसे ये पैन हो रहा है सुबह से, या कान के नीचे ये करो और उसको केला खिलाओ और सेंधा नमक की चुटकी चिटा दो। किस पे नस चढ़ती, कौन सा इसको दवा बताओ जी। देखो अगर नस किसी के गले में कुछ फंस जाए, ठीक है, तो गले में फंस जाए और नस पे नस चढ़ जाए उसी टाइम गले में निकल जाएगा गले से, ठीक है। और फिर ये कान के नीचे जो पॉइंट है ओपोजिट साइड का, अगर दोनों कर दो तो बेटर है, तो ओपोजिट साइड का जिस साइड नस चढ़ी है ओपोजिट साइड का पॉइंट ऐसे ऐसे दबा देना तो नस ठीक हो जाएगी। और अगर टांग की नस चढ़ी है? टांग की बात कर रहा हूँ। अच्छा बस ठीक, ठीक है। और उसको केला, उसको डेफिशिएंसी है मैग्नीशियम की और पोटाशियम की, उसको केला खिलाओ और सेंधा नमक उसको चिटा दो तो बेटर है, अभी आगे से नहीं चढ़ेगी। आपको बताया था मसल्स जो है डेफिशिएंट हो जाती हैं जो एसिडिटी से। अच्छा फायर कभी किसकी करनी है बताओ, आ जाओ आ जाओ भैया, कपड़े कपड़े सब उतार।